ये करिश्मा है, हम करिश्मा की पूरी बाइक सर्विसिंग बताने वाले हैं। फुल सर्विसिंग कैसी होती है, वॉशिंग कैसी होती है, ये वीडियो में हम सारा बताने वाले हैं। सभी कस्टमर को पता चलना कि बाइक सर्विसिंग होती कैसी है, क्या क्या काम होता है, कैसी सर्विसिंग होती है। हमारे 7-स्टार गैरेज को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो। सर्विसिंग में क्या क्या काम होता है और सर्विसिंग कैसी होती है, सर्विसिंग में क्या खोला जाता है, क्या क्या पार्ट्स खोल के वॉशिंग की जाती है, ये सारा बताना है। ऐसी वॉशिंग करने से इंजन के नीचे की पूरी मट्टी साफ़ हो जाती है, इंजन के नीचे की पूरी मट्टी साफ़ हो जाती है और उसे जंग नहीं होता है और स्टैंड वगैरह सड़ता नहीं है, जंग नहीं होता है और चैन भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। आप सभी ने देख चुके हैं वॉशिंग कैसी होती है और वॉशिंग के बाद में अभी ये काम चालू हो चुका है और काम में हम बताएंगे आपको कि सर्विसिंग के अंदर फ्रंट रियर व्हील बेयरिंग कैसी ग्रीसिंग होती है, लेनर साफ होते हैं, ब्रेक शू बोलते हैं उससे, ब्रेक लेनर भी बोलते हैं और उससे ब्रेक अच्छे लगते हैं बाइक के, और चैन सेटिंग, ब्रेक सेटिंग, क्लच सेटिंग, एवरेज सेटिंग, सब टोटली पूरा काम होता है सर्विसिंग के अंदर। पूरी बाइक के नट बोल्ट ऐड होते हैं और ये जो है तो फिल्टर देखो, अभी फिल्टर है पूरा फिल्टर ख़राब हो चुका है। फिल्टर साफ़ होना बहुत क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है, बाइक गर्म नहीं होती है, बाइक का एवरेज बढ़ता है, बाइक के इंजन के अंदर कुछ काम नहीं निकलता है, उससे डस्ट इंजन के अंदर जाता है और इंजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए इंजन के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये फिल्टर क्लीन होना ज़रूरी है, तो उससे अपनी बाइक अच्छे से चलती है। ये बाइक के लिए फ़िल्टर बहुत ज़रूरी होता है, ये पेपर फिल्टर है। ये व्हील ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, ये व्हील के अंदर बेयरिंग के अंदर ग्रीस कुछ ही नहीं रहता है और जब अपना वज़न आता है बाइक के ऊपर जब हम जब बैठते हैं तो जब व्हील जाम हो जाते हैं और जब इसके अंदर ग्रीस होता है तो एकदम फ्री घूमते हैं, जब उसको जगह पे एम्प्टी घुमाते हैं उसको तो फ्री दिखता है, मगर इसके अंदर जब ग्रीस नहीं होता है तो बहुत
आपको ज़्यादा हार्ड हो जाता है व्हील और गर्म होता है व्हील उससे, जैसे बेरिंग के अंदर ऐसा ग्रीस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेरिंग में जब ग्रीस होता है तो अपनी बाइक भी एकदम फ्री होती है और एवरेज भी अच्छे से मिलता है अपने को, और ड्रम भी गर्म नहीं होते और अपने से बाइक का एवरेज भी बढ़ता है और बाइक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है, बाइक अच्छे से फ्री चलती है। व्हील की बेरिंग में ग्रीस होना बहुत ही ज़रूरी होता है और बाइक उससे अच्छी चलती है अपनी। ये ड्रम के रबर है, ये रबर भी ज़रूरी होता है चेक करना। और ये ब्रेक लाइनर है, ब्रेक लाइनर को साफ़ करके क्लीन करके एकदम उसके क्लीन किया जाता है, उसे पेपर से साफ़ किया जाता है, उसे ब्रेक अच्छे लगते हैं अपने बाइक के और बाइक भी फ्री होती है। उसे लिंक को उसको स्प्रिंग के अंदर और लिंक के अंदर उसको ग्रीस किया जाता है ऐसे, और ग्रीस करने से भी कैम वगैरह अच्छे फ्री होता है कि रनिंग में ब्रेक जाम नहीं होता है। तो ये अपने को बहुत करना बहुत ज़रूरी होता है और कस्टमर को ये मालूम होना ज़रूरी है, इसीलिए हम ये मालूम दे रहे हैं क्योंकि कस्टमर उसकी बाइक का ख्याल करता है। जब इतने बाइक उसको जब सर्विसिंग टाइम पे कराता है तो ये उसका फ़ायदा होता है। बाइक की चेन सेटिंग ऐसे होती है, बाइक की चेन सेटिंग होने से बाइक में कुछ आवाज़ वगैरह कुछ आती नहीं है, साउंड वगैरह कुछ आता नहीं है, और उससे बाइक की सेटिंग या चेन की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे अपनी बाइक भी स्मूथ चलती है। चेन का स्पेशल ऑयल स्प्रे होना बहुत ज़रूरी होता है तो चेन उसमें स्मूथ होती है, और चेन में जितना भी ऑयल वगैरह रखेंगे तो बाइक की चेन ख़राब नहीं होती है और उसे अपने स्प्रॉकेट बदलना नहीं पड़ता है। इसे अच्छे से ऑयलिंग करना और उसे क्लीन करना है, वॉशिंग से पहले अच्छे से धो लेना है, फिर उसके बाद में उसको अच्छे से ऑयलिंग या स्प्रे उसको कर सकते हैं। स्पेशल ऑयल होता है चेन का, वो भी डाल सकते हैं आप चेन के ऊपर, उससे आपकी चेन बहुत स्मूथ हो जाती है, बाइक चलने में एकदम अच्छे से चलती है। अभी फ्रंट व्हील खोल रहे हैं, फ्रंट व्हील खोल के ग्रीसिंग के लिए खोला जाएगा फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील भी ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी बेरिंग बहुत ज़्यादातर के ख़राब हो जाती है। जब हम बाइक चलाते हैं तो डायरेक्ट उसके ऊपर ही लोड आता है, शाखों वगैरह में खड्डों वगैरह में जो जब जाती है बाइक, तो सबसे ज़्यादा ये फ्रंट व्हील की बेरिंग ख़राब होती है, तो इसीलिए भी ये ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी बेरिंग निकाल के उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना और बेरिंग ख़राब हुई तो फिर उसे चेंज कर देना, ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बाइक के हैंडल के अंदर प्रॉब्लम आता है। तो अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना या फिर ख़राब हो गई तो फिर चेंज कर लेना। बाइक की ऑयलिंग करना, चाबी के अंदर स्विच के अंदर ऑयलिंग, टाकी के ढक्कन के अंदर ऑयलिंग, और जो भी ये ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए अपने चाबी के स्विच वगैरह ये ख़राब नहीं होते, ढक्कन ख़राब नहीं होता है, इसके अंदर खुलने कोई परेशानी नहीं होती है, इसीलिए इसे अच्छे से ऑयलिंग करना पड़ती। और इसे हम पूरी ऑयलिंग बताने वाले, हम ज़्यादा ऑयल होता है बाइक के अंदर वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बताने की काम और आपको देखना ही है तो हमारे गैरेज के ऊपर आइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुआ है, हमारा एड्रेस दिए हुआ है, तो हम आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें
गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे सकते हैं और आप देख के यहाँ पर बैठ के काम देख सकते हैं आपकी बाइक के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, कैसा हो रहा है काम, आपको सब सारा पता चल जाएगा कि बाइक के अंदर काम कैसा होता है और क्या होता है करके, इससे सारी मालूम आपको मिले जाएंगी। और ये जो है हम सर्विसिंग के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है अगर आपकी बाइक में तो आप बिल्कुल आके बता सकते हैं हमारे गैरेज के ऊपर, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें बोल सकते हैं और हमें उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। एवरेज सेटिंग का प्रॉब्लम होगा, ब्रेक सेटिंग का प्रॉब्लम होगा या क्लच सेटिंग का प्रॉब्लम होगा, जो भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारा काम पसंद आया तो हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।